खबर पन्ना जिले के पवई से है, जहां स्थायी डीएम ना होने से क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई दिख रही है। दरअसल विगत दिनों पवई क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई थी और क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे थे। इसके बावजूद पवई एसडीएम का पद प्रभार गुनौर एसडीएम लिए हुए हैं। ऐसे में स्थायी एसडीएम न होने से क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई दिख रही है। साथ ही तहसील कार्यालय में अनुभागीय अधिकारी न होने से कोई कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने शीघ्र ही पवई अनुभागीय में स्थायी एसडीएम को पदस्थ किए जाने की मांग की है, ताकि शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। ये रहता है कि तहसील जो पवई है, यहाँ पर मैं मुख्यालय है और सबसे बड़ी तहसील है पन्ना जिले की जी, और यहाँ पक्षकार आते हैं, अधिकारी रहते नहीं, जबकि पवई में परमानेंट नियुक्ति होना चाहिए जी। भाई प्रभार यदि दे तो शाहनगर का दें या गुनौर का दें। पवई जो मुख्यालय है, यहाँ पर एसडीएम को रहना अनिवार्य है। ऐसे कार्य है जनता की, सारी कार्य रुके हुए हैं, जनता पक्षकार आते हैं, परेशान होते हैं, चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। तो प्रभारी लोग जो आते हैं, घंटे दो घंटा रुके और चले जाते हैं, बाकी और वो जाते नहीं। और कम से कम 115-16 के जो मुकदमे हैं, छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं जिनमें नाम है गड़बड़ या किसी का थोड़ा सा नंबर गड़बड़ है, उसके कम से कम 3 साल से प्रकरण लंबित है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जो कि छोटी छोटी त्रुटियों के कारण पक्षकार कम से कम 2-3 साल से परेशान है। तो ये भी सुनवाई होना चाहिए और यहाँ पर एसडीएम महोदय की परमानेंट नियुक्ति होना चाहिए। कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है एवं प्रशासन से भी अनुरोध है कि पवई में एसडीएम की नियुक्ति परमानेंट होना चाहिए। अब करीब 1 वर्ष से स्थायी एसडीएम न होने के कारण पक्षकारों को, आम पब्लिक को कई काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी आवेदन के लिए, किसी भी छोटी मोटी शिकायत के लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हमारी यही मांग है कि पवई में स्थायी एसडीएम का बैठना जरूरी है और स्थायी रूप से बैठें और जो निर्धारित समय है 10 से 6 बजे तक अपना कार्यकाल करें, और जनता को बहुत समस्याएं हो रही हैं उसका भी शीघ्र निराकरण करें। यहाँ विगत 1 वर्ष से स्थायी एसडीएम नहीं है, प्रभार के एसडीएम हैं जो कभी कभार आते हैं और शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उनमें कोई भी काम नहीं हो रहा, सभी शासकीय प्रकरण सब लंबित हैं, पब्लिक परेशान है, इसलिए शासन से ऐसी मांग है कि यहाँ स्थायी एसडीएम की व्यवस्था की जाए।